नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हाजिर हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर के पास, जिनसे आज हम लोग जानेंगे कि युवाओं में जो हार्ट अटैक की समस्या है वो तेजी से उभर रही है, इसके कारण लक्षण क्या हैं और इससे बचाव हम लोग कैसे करें इस पर। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि यंग जेनरेशन के लोग को भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही आज के दिन में जो पहले यंग जेनरेशन को नहीं हुआ करती थी। इसमें 3-4 फैक्टर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, विशेषकर यंग जेनरेशन में हार्ट अटैक होने की जो कारण बन रहे हैं, समस्या हो रही है। इसमें पहला है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इतना ज्यादा हो रहा है कि बचपन से युवाओं को, बच्चे हैं तो एडमिशन की समस्या है, एडमिशन हो गई तो पास किए, कंपटीशन है, सीट्स कम है, नौकरियां कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में युवा रह रहे हैं जिसमें कि थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है। तो उसमें जो कि हार्मोन्स निकलते हैं, जो इन्फ्लामेशन के बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो एंटागोनिस्टिक होते हैं, जो पीसफुल हार्मोन्स सबके, वो भी एक रोल प्ले करते हैं जिसके कारण से भी एक समस्या दिख रही है। दूसरी समस्या जो आई है वो खान पान के हैबिट में बहुत मूलभूत परिवर्तन आया है और आज के दिन में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से युक्त जो इतनी भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, प्लास्टिक्स और उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत सारे हैं। आप बचपन से देखेंगे कि जो जनरेशन आज का यंग 30 साल का हुआ वो प्लास्टिक्स के बीच में ही जाना है, उसका टिफिन प्लास्टिक का, उसका पानी प्लास्टिक का, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसमें बिसफिनॉल ए नहीं होता है, उसकी मानक मात्रा है। तो उसमें क्या होता है कि फिर लीचिंग होकर के बहुत सारे हार्मफुल जो प्लास्टिक से शरीर के अंदर चले जाते हैं। गर्म टिफिन के डिब्बा में, प्लास्टिक के डिब्बा में अगर वो क्वालिटी ठीक नहीं है प्लास्टिक की, तो बहुत दिनों से वो प्लास्टिक के डिब्बा का टिफिन खा रहे हैं तो उससे भी प्लास्टिक शरीर के अंदर में जाता है। और इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की मानक मात्रा बहुत ज़्यादा है चावल गेहूँ सभी उपजाओं में। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ हो रही है वो ये देखा जा रहा है कि जंक फूड का प्रचलन बढ़ा है। जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पैकेज्ड फूड है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं और इस कारण से भी बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस बढ़ी है, जिसमें कि खान पान और जो जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो भी मोर और लेस बहुत कमी है। पहले अब रिमोट से ही सारा काम हो जाता है, मोबाइल से उठ करके जाना भी नहीं पड़ता है लोगों को, और धीरे धीरे जो जितने खुला वातावरण रहता था पहले वो नहीं मिलता है और पोल्यूटेड एयर सब लोग बचपन से ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि पोल्यूशन से जब शरीर के अंदर हवा जा रही है जिसका AQI इंडेक्स 300-400 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, तो वो सांस के द्वारा जा कर के पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, वो इतना उसमें केमिकल हार्मफुल डाल रहे हैं और वो जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है अंदर की आर्टरी धमनियाँ, विशेषकर हार्ट की आर्टरियाँ जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो उसमें प्लेक्स जमने की एथेरोजेनिसिटी होती है, उसमें जो काई जमता है जिसके कारण से हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है वो बढ़ जाती है और उसके कारण से भी, पोल्यूशन के कारण से भी बहुत सारे हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। अभी के दिनों में जो देखी जा रही है यंग में, इसमें 2-3 स्टडीज हुई है, उसमें देखा गया कि पोस्ट कोविड इन्फ्लामेशन जो कराया, थ्रोम्बस कहीं कहीं बना, कोई गुलबिलिटी स्टेट थी, तो उस कारण से भी जो सीवियरली कोविड से रिकवर हुए हैं उनको अपना जांच बीच बीच में कराते रहना चाहिए, थ्रोम्बोसिस कहीं उनका प्लॉट तो नहीं है कहीं पर जो कि डिसलॉज होकर के एकाएक मृत्यु का कारण बन रहा है। दूसरी चीज है कि जो भी पैकेज चीज है ना, डिब्बाबंद चीज है, अभी आप हाल में देखे होंगे पेपर में भी आया था, फ्रंट पेज न्यूज थी, कि वो ऐसा लुभावना यंग यूथ को लगता है कि डिब्बे में बंद है, ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, इससे मसल्स इतना सिक्स पैक होगा, इससे ये होगा, उस भ्रामक प्रचार में युवा उसका सेवन करता है। उसके अंदर में बहुत बात देखा गया कि स्टेरॉयड है और बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स उसमें, और उसमें एक्सरसाइज करने के दौरान उसके भी साइड इफेक्ट और उसके भी नुकसान शरीर को पहुंच रहे हैं जिसके कारण से ये परेशानियां बढ़ी हैं। और इन सब कारणों से, और इंडियन पॉपुलेशन जो है, जेनेटिक स्टडी जो हुई उसमें देखा गया कि वो हार्ट अटैक और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के प्रोन है, ज्यादा प्रोन है कंपेयर टू अदर कॉकेशियन पॉपुलेशन।
तो ऐसी स्थिति में जिनके भी फैमिली मेंबर्स में अगर हार्ट अटैक की समस्या हुई है यंग एज में, 50 में, 60 में, पिताजी, माँ, भाई बहन, उसमें होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। तो जो जो जेनेटिक भी ये जेनेटिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली प्ले फैमिली का फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है ना तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो कॉजेटिव ऑर्गेन जो मैकेनिज्म देखे गए थे, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते थे जिसमें था कि कोलेस्ट्रोल की डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी, उतना ही इम्पोर्टेंट रूप में अब आ गया है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री किसी भी फैमिली में यंग में डेथ की है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से, हार्ट अटैक से, उस परिवार के नौजवानों को बहुत विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है और अपनी जांच बीच बीच में कराते रहने की आवश्यकता है। सर हम एक चीज और पूछना चाहेंगे, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, अभी हाल फिलहाल में एक जो है गौरव गांधी जो करके मेडिकल के बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, वो खुद सर्जरी करते थे अपने, इतने 41 साल की उम्र में काफी लोगों की सर्जरी की, लेकिन उनका अचानक चले जाना, हार्ट अटैक आना, ये इसको आप किस प्रकार से देखते हैं ये समस्या? देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसमें स्ट्रेस कंडीशन डॉक्टर्स के अंदर भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और डॉक्टर दूसरे को तो हेल्प कर रहे हैं और अपने शरीर पर कहीं कहीं ध्यान देने में चुप भी जा रहे हैं, और उसी तरह जो जितने सेलिब्रिटी हैं, यंग सेलिब्रिटी जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भी अचानक, हाँ, उनका भी तो चला वो लोग कि एक्सरसाइजेस तो ठीक है लेकिन उनके साथ साथ थोड़ा डायट्री और स्लीप पैटर्न बॉलीवुड के स्टार्स का डिफरेंट है, मसल बनाने के चक्कर में वो प्रॉपर दिल का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जिसके चलते ऐसा लगता है कि और उनका स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब है, फूड हैबिट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। आज के दिन में आप देखेंगे बहुत सारे यूथ सिगरेट स्मोक करते हैं जिसका डायरेक्ट लिंक है हार्ट अटैक से, हार्ट के धमनियों के में एथेरोजेनिसिटी करने से। तो जो जो डायट्री हैबिट्स चेंजेस हुई है उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो एथेरोजेनिक हैं, जो क्लॉट बनाती हैं हार्ट के अंदर के प्लेक्स को बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर समुदाय से भी एक अपील ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, सबों को देखते हैं लेकिन अपना भी टाइम निकालें, अपना रिक्रिएशन अवश्य करें और अपना हेल्थ के प्रति सब लोग जैसे ध्यान दे रहे अपना हेल्थ के प्रति सबों को ध्यान देना आवश्यक है, सजग रहना आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेडिकल माइक में आप जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी दी हार्ट अटैक से जुड़ी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर।